साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। मैनुअल माइनिंग माइनिंग की इजाजत दो, इजाजत दो, इजाजत दो। मैनुअल माइनिंग की इजाजत दो, इजाजत दो, इजाजत दो। बालों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। ट्रैक्टर ट्राली बालों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ट्रैक्टर ट्राली बालों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। माइनिंग के ऊपर सरकार ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई। जरूरत इस बात की है कि ये जो 10,000 से ज्यादा परिवार हैं, इनके भी सरकार सुने। इन्होंने ट्रैक्टर और ट्राली लिए थे बैंक से कर्जे लेकर, और उनकी किस्तें ये अभी भी दे रहे हैं, लेकिन 8-9 महीनों से इनका काम काज जो है वो ठप है, क्योंकि मैनुअल इजाजत भी सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो अपना काम धड़ल्ले से चला रही हैं, जो सरमाएदार हैं, जो कारपोरेट्स हैं, रिंग रोड के ऊपर काम कर रहे हैं, जो बाहर की कंपनीज हैं, ब्लू रोड के ऊपर बाहर की कंपनीज, उनका काम तो चल रहा है, लेकिन इन परिजनों का जो है पेट के ऊपर जिस तरीके से लात एक मारने वाली बात की जा रही है, ये सरासर गलत है। और इनके लिए भी सरकार पॉलिसी बनाए, क्योंकि जब इन्होंने ट्रैक्टर और ट्राली लिए बैंक से लोन लेकर, उनकी किस्तें ये लगातार दे रहे हैं, लेकिन काम धंधा बंद होने की वजह से इनके परिजन भुखमरी के कगार पर हैं। सरकार जिस तरीके से गरीब विरोधी फैसले ले रही है वो सरासर गलत है, उसका पैंथर्स पार्टी विरोध करती है। और बार बार इन लोगों को आश्वासन भी दिए गए हैं कि आपके संदर्भ में भी सोचा जाएगा, लेकिन 8-9 महीने हो जाने के बाद भी इनका कोई भी नोटिस नहीं लिया जा रहा है, इनकी कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है। और एक गुस्सा जो है इन लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि रोजी रोटी का एक सवाल है, जो राइट टू लाइवलीहुड जो है, जो इनका अधिकार है, वो इनको सुनिश्चित किया जाए। और जिस तरीके से गरीब लोगों के साथ एक अन्याय हो रहा है, उसे पैंथर्स पार्टी बर्दाश्त करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। इसी को लेकर बीजेपी सरकार का पुतला जलाकर अपने विरोध का हम लोगों ने इजहार किया।